अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ाइगोट फार्म। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सारे बकरे मेरे बाहर आ चुके हैं शेड के बाहर। आज हमने इनको भगाया है सबको, तो खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। ऐसा ये रहा मेरा शेड, तो देख सकते हैं कि सारे बकरे मेरे बाहर आज निकले, तो थोड़ा इनको भी रोज रोज के रेगुलर जो एक्टिविटी रहती है शेड के अंदर की, आज उसको इनको छुटकारा दिया और सबको बाहर निकाला है ताकि थोड़ा इनको भी एंजॉयमेंट मिले। जैसा आप देख सकते हैं सारे बकरे आज घूम फिर रहे हैं। बकरे इधर है और दुम्बे, ग्रेट दुम्बे गैंग उधर है, ठीक है। तो ये इनको एक आज अच्छा मौका मिला है बाहर निकलने का, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको रोज। आज का पहला ही दिन है, तो कैसे बकरे खिलते कूदते क्या करते ये इससे आइडिया आ जावे, तो फिर रोज़ इनको आधा एक घंटा दो घंटा इनको घुमाने फिराने की कोशिश करेंगे इनको। तो इनको भी एक अच्छा माहौल, नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अभी मेरे पास ये एक फैसिलिटी है कि हमारी जगह बहुत बड़ी है, हमारा लैंड जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत कुछ एक्टिविटी इनकी हो सकती है। तो चलो आज ऐसा एक मूड बना दिया, थोड़ा शेड के अंदर भी थोड़ा लेवलिंग का काम है, जेसीबी लगाया आप देख सकते हैं, तो बकरों को बाहर निकाला। इसी बहाने इनका भी थोड़ा प्लेइंग प्ले हो जावे। और ये एक बहुत ज़रूरी है, अगर फार्म पे जगह है या बैकयार्ड में आपके पास वैसे ही है फैसिलिटी कि आप बकरों को बाहर निकाल सकते, तो ज़रूर कोशिश करो कि बकरे को बाहर निकाले। तो इनको एक अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, और एक ज़रूरी है, इससे बकरा हेल्दी रहेगा, खेलेगा कूदेगा। ऐसा तो खाने के लिए इतना कुछ खास इधर है नहीं, थोड़ा बहुत है घास वगैरह ये है, तो ये सब राजस्थानी बकरे होने से इनको इतनी तो हैबिट है नहीं ये ग्रास की, और हमने डाली भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इनका हमने फीड चेंज करने की कोई ट्राई नहीं की, जो हरी पत्ती गवार खुट्टी और जो भी मैं बताया मैंने वीडियो में फीडिंग का, वो हिसाब से ही मैं रखा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें खाने से इनमें वेट गेन नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ऐसा ही इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की आज कोशिश की हमने। ऐसा ये दोनों मेंढी भी आज देख सकते हैं कि कैसे खेल रहे हैं झाड़ से। तो एक नेचुरल फील देने का था इनको, आज पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो हिसाब से। तो फिर रेगुलर इनको जैसा बताया वैसा एक दो घंटा इनको खेलने कूदने की देंगे सहूलत, ठीक है। ये देख सकते हैं सब सारे एंजॉय कर रहे हैं बराबर से, सब भागेंगे। तो ये खाली एक इनका एक्सरसाइज भी हो जावे डेली तो भी अच्छा है, और सब ये एक हेल्दी बकरों की निशानी भी है कि अच्छे से खेल रहे कूद रहे, कोई भी बकरा किधर स्टैंड नहीं है। सब उधर नीचे चले जाए, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।